लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। 7 स्टार की टीम भी 2 बार सर्वे का काम निपटाकर वापस रवाना हो चुकी है। ऐसे में इंतजार है स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों का। इसी बीच महापौर मालिनी गौड़ ने दावा किया है कि इंदौर सफाई के क्षेत्र में न सिर्फ चौका लगाएगा बल्कि इस बार शहर 7 स्टार रैंकिंग में भी ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3 बार नंबर बनाकर हैट्रिक लगा चुका है और अब इंतजार है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों का। हर बार की तरह इंदौर नगर पालिका निगम के अधिकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में खिताबी चौका लगाने के लिए पूरा दम झोंक दिया था। अब जब सर्वेक्षण का काम निपट चुका है तो सभी की नजरें स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों पर टिकी है। इसी बीच महापौर मालिनी गौड़ ने दावा किया है कि इंदौर सफाई के क्षेत्र में एक बार फिर खिताबी चौका लगाएगा, साथ ही साथ 7 स्टार रैंकिंग में भी इस बार इंदौर ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। हालांकि इस बार केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तय किए गए मापदंड बेहद चुनौतीपूर्ण थे। सर्वेक्षण की चुनौती की परीक्षा इस कदर कठिन थी कि 7 स्टार रेटिंग की टीम एक बार सर्वे करने के बाद दूसरी बार अचानक शहर पहुंची और गुप्त सर्वे शुरू किया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। मैं तो संतुष्ट हूं, लेकिन जनता भी संतुष्ट है। और जिस प्रकार से 3 बार नंबर 1 इंदौर शहर आया है, चौथी बार चौका भी लगाएंगे और 7 स्टार रैंकिंग में भी हमको पूर्ण विश्वास है कि इंदौर शहर 7 स्टार रैंकिंग में आएगा और मार्च में इसका रिजल्ट आने वाला। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।